गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर स्नातक चुनाव को लेकर महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजक एवं सह संयोजक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करती है। कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। मतदान केंद्र व बूथ स्तर पर स्नातक चुनाव की पूरी योजना बन गई है। माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट बनाकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी शिक्षा क्षेत्र के बीच में काम करने के लिए लगातार जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अपनी बात आपकी बात को सरकार के समक्ष उठाने का काम समय समय पर ध्यान आकर्षण करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि स्नातक चुनाव हर चुनाव से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत्र जैन, विश्वजीतांशु आंसू सिंह, डॉक्टर सतेंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही, देवी श्रीवास्तव, समरेंद्र सिंह, विनय सिंह, जीआरएफ, डॉक्टर गिरिजेश दंत पांडे, पद्मा गुप्ता, अनुपमा पांडे, दयानंद शर्मा, रणविजय शाही, दयाकृष्ण गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू, रणविजय सिंह, मुन्ना, वरुण चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता ने कहा, आप सभी भारतीय जनता और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय श्री अनुप गुप्ता जी, आज की इस बैठक में उपस्थित हम सदा जो स्नातक चुनाव की दृष्टि से हम सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अभी इसके पहले भी जो महानगर की बैठक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस बैठक में नगर निगम के महापौर आदरणीय आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, गोरखपुर क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पुष्पदत्त जैन जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। निश्चित ही यह बैठक बहुत ही अहम बैठक है। बैठक के पहले भी हम सभी लगातार दो बार बैठकें कर चुके हैं, उसमें सफलता पूर्वक संपन्न हुई है। जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि प्रत्येक 20 मतदाताओं पर एक अपने कार्यकर्ता को लगाना है, उसकी भी सुना जा रहा है कौन मतदाता कहां रहता है, ताकि उस दिन चुनाव के दिन समय पर उनका वोट हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम सब के नेता आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी, विधान परिषद के सदस्य एवं प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र सिंह जी सहित मंचा पता है, तो वह उस योजना के तहत जिले की बैठक में वहां के लोग जाएंगे, उस योजना में लगे हैं। इस नाते भोंगा पार के लोगों की उपस्थिति इसमें नहीं। स्नातक निर्वाचन का चुनाव 30 तारीख को है और इसलिए स्नातक निर्वाचन के चुनाव के संदर्भ में गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। गोरखपुर महानगर में रहने वाले जितने भी स्नातक मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक रणनीति के तहत हम सब काम करने वाले हैं। वो सांगठनिक तौर पर बैठ करके पूरी रणनीति प्रक्रिया बना करके आज हम आगे बढ़ेंगे। पहले से भी गतिविधियां चल रही हैं और एक बार डीपली और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट हम लोग करके आगे बढ़ने वाले हैं। क्या उद्देश्य है चुनाव में जीतना, यही उद्देश्य है बैठक का। कार्यकर्ताओं को किस तरह निर्देशित, कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए कार्यकर्ता तो हमेशा तत्पर है। अपने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो,
हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ पूरे तन मन के साथ लड़ता है और इस चुनाव में भी एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से लग करके चुनाव जिताने वाला है। जो भी वोटर है किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हम सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप हमारे प्रत्याशी गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपना स्नेह, अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना वोट, अपना समर्थन सब प्रदान करें। हमारे प्रत्याशी लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र के बीच में काम करने के लिए लगातार जाने जाते हैं। उन्होंने सदन के अंदर अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपनी बात को, आपकी बात को सरकार के समक्ष उठाने का काम, समय समय पर सरकार को चीज़ों के प्रति ध्यान आकर्षण कराने का कार्य भी उन्होंने किया है। आगे भी हम सब मिल करके आपके लिए अच्छा और सुखद कुछ न कुछ कार्यकलाप, अपनी गतिविधियां हम सब आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि 30 तारीख को समय से निकल करके मतदान करें। हमारे प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के खाने के सामने सीधी पाई की मात्रा खड़ी करके अपना मतदान पहली वरीयता का देते हुए और हमें विजयी बनाएं।